दिस इज डे वन ऑफ मेकिंग ब्लॉग फॉर 30 days. 30 days 30 vlog चैलेंज का डे वन है. अब इतने में कम से कम 3 semester और 2 semester तो आराम से हो जाएगा. रफ ऐसा मोटा वाला ले लेना. वो एक तरह से सपना है हम लोग के लिए कि सुबह का नाश्ता कर ले. और अब हम लोग का पूरा क्लास भी चेंज हो गया. पहले जो B1 में चलता था अब B2 में चलता है. इंडिया का मैच था और रोहित शर्मा कितना खतरनाक खेल रहा है भाई. मतलब अकेले 100 रन तो यही मार दिया और 50 रन जो बचे वो रिंकू. हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. तो और गाइस, दिस इज डे वन ऑफ मेकिंग व्लॉग फॉर 30 days. 30 days 30 vlog चैलेंज का डे वन है आज. इसीलिए हम लोग तैयार हो चुके हैं. बाकी यहाँ पे हॉस्टल में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ गर्म पानी आता है, इसलिए सुबह सुबह नहा लिए. और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह में ठंडी कम पड़ रहा है एज कम्पेरिजन टू रात में. रात भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का. रात में ज्यादा ठंडी पड़ रहा है, सुबह में कम पड़ रहा था, इसलिए आराम से हम लोग नहा धो लिए हैं. बाकी हाँ गाइस, ये बाल हम बोले थे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन क्यों क्या हुई. असल में हमसे भी ऊपर एक हैं तो उनके कारण कटवाना ही पड़ा. बाकी ठीक है गाइस, बाल बढ़ाना बढ़ाना ये सब चलते रहेगा, अभी जिंदगी पूरी पड़ी हुई है. बाकी चलते हैं अब कॉलेज, देखा जाए. आज वैसे क्लास व्लास तो है तो चला जाए. अब सेकेंड सेमेस्टर का पहला क्लास किया जाए, देखा जाए किसका किसका होता है. अब देख सकते हो गाइस, ये रफ देखो, इतने ही में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया हो गया. अब इतने में कम से कम 3 semester और 2 semester तो आराम से हो जाएगा. रफ ऐसा मोटा वाला ले लेना, ये आराम से हो जाएगा. 2 photo copy लेके चलते हैं. बाकी देखा जाए कौन कौन सा क्लास चलता है कौन सा नहीं. भाई लोग, ये हम लोग नाश्ता लेके अपना निकल चुके हैं, क्योंकि इतना लेट से उठते हैं ना कि सुबह का नाश्ता करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. 9:30 बजे तो हम लोग उठ जाते हैं, तो सुबह का नाश्ता 7 बजे मिलता है. तो मतलब कि वो एक तरह से सपना है हम लोग के लिए कि सुबह का नाश्ता कर ले. बाकी आज थोड़ा मौसम ठीक ठाक है, कल से मतलब कि कल से ठीक है. कल काफ़ी ज़्यादा ठंडी था, आज कम है. बाकी ये देख सकते हो, अब हम लोग का वैसे क्लास भी चेंज हो गया और अब हम लोग लंच कर रहे हैं इस चीज़ को 1 महीना बाद. और अब हम लोग का पूरा क्लास भी चेंज हो गया. पहले जो B1 में चलता था अब B2 में चलता है. लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी भी छठवां फ्लोर पे चल रहा है. साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे. मतलब कि अब नीचे आ जाता, पांचवा फ्लोर पे आ जाता तब भी कुछ होता. वैसे पांचवे फ्लोर पे तो लाइब्रेरी है, खैर क्या ही कर सकते हैं. लग रहा है फर्स्ट ईयर में छठवां फ्लोर पे ही रहना पड़ेगा. बाकी अब हम लोग चल रहे हैं घर. इधर आए थे थोड़ा प्रिंट आउट वगैरह निकलवाने और अब हम लोग चल रहे हैं हॉस्टल. घर नहीं, घर चले जाते तब तो कोई बात ही नहीं है. बाकी अब हम लोग चल रहे हैं हॉस्टल. और इस समय भाई मतलब कि SRMU रीओपन हुआ है 1 महीने बाद, तो एकदम चमक रहा है चारों तरफ, फूल फूल एकदम. ऐसा लग रहा है कि जैसे नया नया SRMU हो गया है. अभी लखनऊ तो लेकिन वैसे ही उखड़ा का उखड़ा रहा है, वो नया नहीं करने का सोचे क्या भाई. बाकी ये देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल पे और हॉस्टल पे अभी भी बच्चों का सामान रखा है जिनको भगाया गया है. तो भाई लोग, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, उमर भी आ चुका है, आज ही आया है. ये फीस भी जमा किए थे कि तुमको भी भगाया गया था. हाँ, भगा दिया था. तुम तो 20 जमा करके जा रहे थे ना. क्या करें भाई, हम लोग ऐसे ही हैं, हमारे साथ ऐसे ही होता है. चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ था. आज भी कई लोग भगा रहे हैं, पता नहीं मतलब कि आज आने देना चाहिए. तो भाई लोग, अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा बाहर, क्योंकि कुछ काम रह गया था जरूरी उमर भाई का, वही करने हम लोग चल रहे हैं. पहले चला जाए बाहर और वही करते करते थोड़ा बाहर भी टहल लेंगे, क्योंकि उधर भी गए काफ़ी दिन हो गया. 1 महीना तो हो ही गया उधर गए अपने चाय वाली टपरी पे. और ये देख सकते हो, ये कौन सा गाड़ी, हुंडा ही है वैसे. बाकी ये देख सकते हो कितना ज़्यादा. और ये बाहर देख सकते हो, बाहर आए हैं तो कुछ सामान भी ले लें जो कि ज़रूरत पड़ती है. और ये ड्रेस व्रेस और अपना ये देख सकते हो BBC. और ये देखो तुम, अब लखनऊ ये कब सुधरेगा भाई, ये कब नया लगेगा, मुझे बस यही जानना है. और हम लोग अपना नाश्ता कर लिए, यही है हम लोग का नाश्ता, और कुछ करने लायक नहीं था आज. पकौड़ी था जिसको नहीं करना ही अच्छा ऑप्शन है. बाकी ये रात का खाना, मुझे ये बता दो कोई मैस वाले इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं भाई, इतना गंदा खाना बनाते हैं खाने का भी मन नहीं करे, ये पता नहीं क्या है. लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पानी पानी हुआ है, ये लग जाने की वजह से. ये लगा तो होता है आग बुझाने के लिए यहाँ पे, लेकिन जानते ही हॉस्टल में क्या क्या होता है, चीज़ों का कैसे दुरुपयोग होता है.
पूरा पानी भरा हुआ है गाइस। तो भाई लोग ये देख सकते हो आज इंडिया का मैच था और रोहित शर्मा कितना खतरनाक खेल रहा है भाई, मतलब अकेले 100 रन तो यही मार दिया और 50 रन जो बचे वो रिंकू सिंह ने मार दिया, बाकी का भाई रन तो 180 है ना। हाँ तो बाकी का 4 लोग और मिला के मारे, दो लोग जीरो पे आउट हुए, तो बाकी के 2 लोग 10-15 मार के किए होंगे कुछ। अभी देखो छक्का, ओ ओ भाई साहब भाई पार है। पार करा देता भैया, थोड़ा सा से बच गया भाई 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 114 रन अकेले। तो भाई लोग ये पिछला वाला बॉल नो बॉल था, तो फिर से रोहित शर्मा करेंगे एक और कमाल, वैसे नो बॉल, नो बॉल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू, एक और छक्का चाहिए हमको भाई कितना खतरनाक मारा है, थोड़ा सा बस ऊपर रहता तो पार हो गया रहता, इनको तो कुछ ज्यादा ही खुशी हो गया लग रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई भाई इज इनसेन भाई, इस समय कुछ अलग धातु का कुछ खा लिया ऐसा इन्होंने, अरे मतलब कुछ खा लिया उसको क्या बोलते हैं, धतूरा खा लिया शायद, मतलब एकदम पकड़ा गया पिछले 2 ओवर से भाई, कितना खतरनाक खेल रहा है भाई लोग। देखा जाए लास्ट बॉल पे क्या, नहीं हाँ चला गया, चला सर पे लग गया, का पार फूट गया भाई, भाई साहब मतलब 212 का टारगेट, 21 पे 4 था, 21 पे 4 था, अभी 212, मतलब कि अगर रोहित शर्मा को अगर मूड बन जाता है ना तो रोहित शर्मा और ये दोनों टिक गए ना, तो कोई भी टीम रहे सामने उनकी। तो भाई लोग हम लोग खा पी के आ चुके हैं, बाकी आज वैसे कम ठंडा है, कल के कंपैरिजन में आज वैसे आराम है, बाकी अभी हम लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म वॉर्म भरना है, और आज उमर भाई भी आ चुके हैं, तो उमर भाई आपको कैसा लग रहा है घर से इतना दिन बाद आके? ठीक है, अपने अपना टाइम का मजा है, लेना चाहिए, फेजेस होते हैं लाइफ के अलग अलग। मजा की बात कहाँ हो रही, ठंडा पूछ रहे की ठंडा लग रहा है कि नहीं, देखिए कुछ जुगाड़ किया जाएगा, अभी कुछ सामान लाया जाएगा मटियारी से कुछ गर्म करने के लिए, क्योंकि हीटर तो अलाउड है नहीं। हाँ, और लकड़ी की बात नहीं कर रहा है जलाने के लिए, लकड़ी जलाने दूसरा सामान वो हम लोग बिना बताए करेंगे, हर चीज ऑफिशियल नहीं, कुछ अन ऑफिशियल भी होनी चाहिए। गौरव भाई से भी पूछ लिया जाए, उनको ठंडी वंडी लग रहा है कि नहीं, और गौरव भाई आपको भी, आप तो कल मेरे ही साथ आए थे तो कल से आज आराम ही है? हाँ कल से ठंड कम है थोड़ी बस, और और ठंडा तो पड़ ही रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है भाई, वो दिखा दो उनको देख लीजिए भाई लोग, वो अपना अलग कॉर्नर का, उनको सीट मिली है कॉर्नर में ही पड़े रहा, उसका बेड सबसे सही नहीं भाई, वो बेड सही नहीं है, एक इश्यू है उस बेड में कि हम दोनों का बेड यहाँ पे, कोई भी आता है तो उसको उठना पड़ता है, भले वो कितना भी ठंड हो। हाँ, और भले हम लोग कितना सुन लिए हो लेकिन इग्नोर करते हैं उठना उसी को होता है, गेट खटखटा रहा है, हम दोनों जगह हुए हैं बट कोई नहीं उठेगा, ऐसे कंबल और कान के पास लाके सो जाएंगे कि तुम ही खोलो भाई। भाई वो चूज किया है ना किनारे का, तो अब वो डिजर्व करता है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। और भाई कहाँ थे ब्लॉग व्लॉग? अरे घर चले गए जरा, अब सारे उनको पता है, मेरे को तो पता ही इन लोगों को भी पता है घर चले गए थे, अब आए हैं तो अब डेली बनेगा यार ठंड, और ठंड बहुत ज्यादा है भाई, ठंड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि गर्म पानी नहीं मिलता, हाँ नहाने के लिए मिलता है बट नहाने वाला पानी पी नहीं सकते, पी नहीं सकते भाई बाहर से आता है, और वो रूम में भी नहीं रह सकते हैं, थोड़ा सा इशू भी है उससे, और रूम में इतना ठंडा रहता है तो क्या ही आप क्या ही जुगाड़ कर सकते हैं, वार्डन सर का अलग इशू है, ना हीटर लग रहा है ना गर्म पानी, कैटल रखना है, क्या कह रहा है? अरे नहीं मतलब अब है तो बोलेंगे ही भाई, कैटल वेटल नहीं रखने देते, गर्मी में अलग दिक्कत है, ठंडी में अलग दिक्कत है, कूलर फ्रिज नहीं, कूलर अलाउड है 1200 रुपए महीने दोगे तो, हीटर का भी कुछ तब ऐसा इशू होना चाहिए शायद, इशू मतलब सिस्टम भाई वो कराएगा, वो हमारा बंदा कराएगा भाई, हम कुछ उसका जान पहचान है ना यहाँ पे, उसके बहुत रिलेटिव रहते हैं तो वो जानता है यहाँ पे, तो वो कराएगा, वो अब करा देगा सिस्टम का, अगर हमारे रूम में हीटर पड़ जाता है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, आज ही इस ब्लॉग में मैं मेंशन कर देता हूँ कि सब जिम्मेदारी उसकी, हम दोनों तो मासूम हैं, हम दोनों ये होगा भाई, मैं नहीं हूँ मासूम, अरे मतलब हम दोनों की गलती नहीं है, गलती नहीं है, बस पहले बता देते कुछ भी हो हमारे इस 2013 में कुछ भी इलीगल चीज वगैरह है भाई है, उमर फारूक उमर
मैं मोहम्मद उमर खान मोहम्मद उमर खान भाई है सब चीजों की जिम्मेदारी लेगा। यस बाकी ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाय बाय गाइस।